पिछोर में जिला सहकारी बैंक के सामने मेन रोड पर किसानों ने किया चक्का जाम। बैंक में जमा हुआ किसानों का पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर नाराज किसानों ने आज जिला सहकारी बैंक के सामने मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार की कोशिश नाकामयाब रही। इस चक्का जाम में एक घायल किसान को इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। भाभी चक्का जाम में बीच रोड पर घंटों तक बेचारा। चक्का जाम होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं बैंक मैनेजर का कहना है कि दो दिन से हमारे पास कैश नहीं होने के कारण किसी को कैश नहीं दे पाए। हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी त्रिपाठी है मेरा नाम। कहाँ की हो आप? यहीं पिछोर से। अच्छा, आज आप सभी लोगों ने रोड पे चक्का जाम किया है जिला सहकारी बैंक के सामने, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है और साले गुजर चुकी हैं यहाँ आते आते, और हम लोग इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ बैंक वाले स्टाफ के सब बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ जनता की कोई भी नहीं सुनने वाला, सालों से बिल्कुल यूं ही परेशान हो रहे हैं। और त्यौहार आ गया, पैसे नहीं है, कैसे जो है त्यौहार मनाएंगे? भूलिए आप, क्या करें हम, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 3 लाख रुपए जमा है हमारा। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि बस कल मिलेगा, कल मिलेगा। आज 3 दिन तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमें, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है पैसे में से। क्या है, 2 दिन से कैश नहीं आया है, अभी आज कैश के लिए डिमांड भेज दी है। अब 1:30 बजे तक अपना कैश आया जा रहा है, जैसे ही आता है तो अपन वितरण शुरू करा देंगे। और लोगों की क्या है, पैसा निकालने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो रही है, और इतना कैश अपने पास उपलब्ध ना होने की वजह से थोड़ा लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अपन कैश की व्यवस्था करवा के वितरण कार्य शुरू करवाते हैं। देखिए, उसी संबंध में अभी इनके जिला अधिकारियों से बात की है, तो इनका कहना है उनके पास भी कैश कम है, लेकिन फिर भी व्यवस्था कर रहे हैं। करीब 5 लाख रुपये भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, तो जितना होगा सभी किसानों को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद बेहद समस्या क्या है, ये शाम को मैं साहब से बात करूँगा। किसानों के गेहूँ खरीदी के पिछली साल का पैसा डला हुआ है, लेकिन अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला, तो किसान बहुत ही परेशान है, तो किस तरह से इन लोगों की जो शिकायत है वो दूर हो पाएगी? चलिए, ये अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं इनके जिला अधिकारियों से बात करके आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है? लेकिन आज की समस्या ही सॉर्ट आउट हो जाए। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुनील लोधी है सर जी। सुनील, यहाँ पे आप जो है रोड पे बैठे हैं, चक्का जाम करे हुए हैं और आप घायल भी दिख रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये सर कि जो सहकारी बैंक है इसमें हमारा पैसा जमा है, और आज मैं भर्ती हूँ, मैं भर्ती हूँ आज, मतलब पैसा ना होने से मैं एडमिट था, मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं नहीं, ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने इसमें लाखों रुपए जमा है, त्यौहार का टाइम है और सब लोगों को मतलब छिड़काव के लिए दवाई भी लेना है, किसी को कुछ लेना है, लेकिन किसी को पैसा नहीं मिल रहा इस बैंक से। मैं इतना बीमार हूँ कि आज मैं ग्वालियर एडमिट था, लेकर वहाँ से मैं वापस आ गया सिर्फ पैसे की खातिर। पैसा है ना आया तो मुझे 2000 रुपये दिए गए, इसमें मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। और आज पूरा किसान जो देखो पूरा किसान, कोई दवाई लेना है, किसी को खाद लेना है, किसी मतलब त्यौहार है, मतलब खुद का पैसा लेने में इतनी झंझट है कि हम तुम्हें क्या बताएँ। और जाओ